मनोरंजन जगत में बीते लंबे समय से कई कलाकार लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। पर्दे की इस दुनिया की ऐसी ही एक जानी मानी कलाकार गुड्डी मारुति आज भी अपने अभिनय के लिए जानी जाती है। 90 के दशक में यूं तो कई सितारे हैं जिन्होंने अपने बेहतरीन अभिनय से लोगों का दिल जीता, लेकिन अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसाने वाली गुड्डी मारुति आज भी याद की जाती है। 90 के दशक में अपनी शानदार कॉमेडी के लिए मशहूर गुड्डी मारुति अब अभिनय की दुनिया से काफी दूर हो चुकी है, एक्टिंग से दूरी बना चुकी है। गुड्डी मारुति का लुक भी अब बदल चुका है, तस्वीरों में उन्हें पहचान पाना लगभग मुश्किल हो गया है। 90 के दशक में लगभग हर फिल्म और सीरियल में नजर आने वाली गुड्डी का उस दौर में वजन काफी बड़ा हुआ था। हालांकि अपने बड़े हुए वजन के बावजूद भी वो पर्दे पर काफी खूबसूरत नजर आती थी। उन्होंने पर्दे पर अलग अलग तरह के किरदारों से दर्शकों का मनोरंजन किया। गुड्डी मारुति ने सिनेमा में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद वो 80 के दशक में भी अभिनय की दुनिया से सक्रिय रही। हालांकि एक्ट्रेस को पहचान 90 के दशक में मिली। उन्होंने 90 के दशक में कई फिल्मों में काम किया। गुड्डी मारुति ने खिलाड़ी, शोला और शबनम, आशिक आवारा, दूल्हे राजा और बीवी नंबर 1 जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया था। इन सभी फिल्मों में उन्होंने कई बड़े स्टार एक्ट्रेसेस के साथ स्क्रीन शेयर की। साथ ही अपने दमदार अभिनय से न सिर्फ सबका मनोरंजन किया बल्कि अपनी एक्टिंग से सबका ध्यान भी अपनी ओर खींचा। फिल्म दूल्हे राजा में गुड्डी मारुति ने इंस्पेक्टर अजगर सिंह की पत्नी का किरदार निभाया था जो हर दुकानदार से वसूली करता था। फिल्म में अजगर सिंह की भूमिका में अभिनेता असरानी नजर आए थे। फिल्म में असरानी और गुड्डी मारुति की जोड़ी ने दर्शकों को खूब हंसाया था। बीते समय की यह अदाकारा अब काफी बदल चुकी है। वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती है। उन्होंने अपना वजन भी कम कर लिया है। उनकी खूबसूरती आज भी पहले की तरह बनी हुई है। तो दोस्तों, देखा आपने कि आपकी गुड्डी मारुति पहले से कितना बदल गई है। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।